हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो यहाँ शाम का टाइम है और 6:30 हो रहा था और मैं चाय का कप लेके बैठी हूँ और हस्बैंड गए हैं ऑफिस और मैं बच्चों के साथ लूडो खेल रही हूँ क्योंकि अब टाइम तो पास हो ही नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करना है। तो आज हम लोग बचपन का गेम अपना याद कर रहे हैं और बच्चों के साथ मैं भी थोड़ा इंजॉय कर रही थी। तो कभी कभी बच्चों के साथ भी लग के खेलना चाहिए, ऐसा टाइम फिर कहाँ मिलने वाला है। फिर तो सब लोग बिजी हो जाएंगे, बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इसलिए साथ में एंजॉय हो रहा है। और अभी मैं बाहर आ गई तो देखिए एक भी कोई ना अंधा ना बंदा कोई भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ मैं बाहर खड़ी थी। और मैं ना बहुत बोर हो गई थी अंदर, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा देर बाहर खड़े हो जाते हैं। तो मैं 5-10 मिनट ही बाहर खड़ी थी और तो कहीं कुछ है नहीं, ना छत है ना बालकनी है, तो यही जो है सीढ़ी, तो बस यहीं पे खड़ी थी और थोड़ा सा शूट किया। और यहाँ पे जिया डांस कर रही है, ये बगल में भाभी हैं, उनकी बेटी आई हुई है, तो वो ये उनकी बेटी है। तो यहाँ पे जिया लोग डांस कर रही हैं, अभी हम लोग खड़े थे ना तो वो भी खड़ी थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, घर में बंद होंगे, बोर हो रहे होंगे। तो ऐसा ही मेरा भी हाल है और यकीन मानिए बहुत भारी दिन बीत रहा है और समझ में नहीं आ रहा है कि अब करे क्या, क्योंकि एकदम दिमाग ना पक चुका है। बच्चे घर में हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उसके बाद जब आते हैं ना तो वो भी घर में ही रहते हैं और बाहर कुछ सामान मिल नहीं रहा है। आलू प्याज का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, राशन की दुकान में एकदम भीड़ लगी हुई है। लेकिन हाँ, राशन हम लोग पहले ही मंगा लिए थे, मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले ही मेरे घर राशन आ चुका था और महीने का लास्ट भी था तो राशन खत्म होने ही वाला था। तो हस्बैंड बोले कि फिर एंड टाइम पे राशन की दुकान पे काफ़ी भीड़ हो जाएगी और वैसे भी भीड़ से हम लोग को बचना ही था, तो इसीलिए वो पहले ही राशन लेकर आ गए थे। लेकिन अब राशन तो आ गया लेकिन सब्जी तो चाहिए, तो गए थे हस्बैंड लेने के लिए आज, लेकिन आलू प्याज कुछ नहीं मिला, जो पहले का है अभी वही चल रहा है। तो देखिए क्या होता है। और हस्बैंड गए हैं ऑफिस और वो आएंगे रात के 11 बजे और अभी टाइम हो रहा है 7:30, रात का हो रहा है। तो हम लोग बैठे थे आपस में बातचीत कर रहे थे और जिया डांस कर रही थी, तो बस वही टाइम पास हो रहा है। और टीवी भी कितने देर देखेंगे, मॉर्निंग से ही टीवी चल रहा था और टीवी में चल रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हम लोग यही अधिकतर देखते हैं और जब भी देखिए ना तो बोरियत नहीं लगती है। तो ऐसे ही टाइम पास हो रहा है और अब जा रहे हैं खाना बनाने के लिए। सोच रही थी ना कि सब्जी बना के रख दूं, उसके बाद जब हस्बैंड आएंगे तब गरम गरम रोटी बना देंगे और बच्चे भी उन्हीं के साथ खाते हैं। कल भी हम लोग जब हस्बैंड आए थे ना तो उनके साथ ही खाना खाए थे, तो आज भी उनके साथ ही खाएंगे और शायद कल हस्बैंड की मॉर्निंग की शिफ्ट होगी। और ये वाला जो शिफ्ट चल रहा है ना, इनका जो चेंज हो रहा है, तो अब इसकी आदत हम लोग को नहीं है, ख़त्म हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा इससे भी उलझन हो रही है। अब रात के 11 बजे आएंगे, कल 7 बजे ही ऑफिस जाएंगे, तो सवेरे उनके लिए बनाना है लंच, वो भी 6:30 बजे से पहले, तो कुछ भी हो सकता है और बहुत ज्यादा परेशान अब हो चुके हैं। तो चलिए देखते हैं खाना क्या बनता है, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। तो ये नेक्स्ट डे का है और हस्बैंड ऑफिस से आ गए हैं और शाम को अभी 4 बज रहा है, तो हम लोग का टाइम पास नहीं हो रहा था तो हम लोग यही सब लेके बैठ गए हैं। तो अभी हस्बैंड का मैं सर धुला रही थी और जीसू अभी आंगन धो रहा है पीछे। तो अब सारा दिन कितना टीवी देखेंगे और कितना फोन में लगे रहेंगे, तो यहाँ पे हम लोग यही सब टाइम पास कर रहे हैं। और अभी अभी हस्बैंड का ना पैर का भी मसाज हुआ था और जिया का भी पैर का मसाज हुआ, उसके बाद फिर हस्बैंड का सर मैं धोने लगी थी। और यहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, ये मेरा और जीशु का पानी पानी वाला खेल हो रहा है और हम लोग जा रहे थे नहाने के लिए ही, तो उसके बाद थोड़ा देर ये सब हंगामा होता है पानी पानी, और कोई नहीं होता है, हस्बैंड देखते हैं हंसते हैं फिर निकल जाते हैं। तो
तो थोड़ा देर हम लोग ये सब खेले वेले, उसके बाद फिर बाकी का काम हो रहा है। और सही पूछिए तो ये सब का अलग मजा होता है। कभी कभी सारा नियम कानून को साइड में रख के ये सब भी एंजॉय कर लेना चाहिए। बच्चों का मन बहल जा रहा है, सारा दिन बच्चे घर में रह के बोर हो जा रहे हैं, तो टाइम पास हम लोग ऐसे ही कर रहे हैं। तो आप लोग भी घर में बच्चों के साथ थोड़ा सा टाइम बिताइए, बच्चे बोर हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे मैं आ गई और बच्चों को भी साथ में लगा दिया है कि चलो बेड को ठीक करो, क्योंकि ये बेड ना अब तो एकदम साफ हो ही नहीं रहा है। बच्चे सारा दिन यहीं बेड पे रह रहे हैं ना, तो नहीं साफ हो रहा है। और जीशु नहा के आ चुका है और मैं अभी पूरा भींगी थी, लेकिन मुझे पोछा लगाना था, तो इसीलिए मैं सोची कि अब काम करके और फिर जाऊंगी नहाने के लिए पोछा लगाने के बाद। तो मैं यहाँ पे जीशु को लगा दी हूँ। बच्चे वहाँ बोल रहे हैं कि जब से घर में है तब से बहुत काम कराती हैं। जल्दी तो यहाँ पे आप लोग देखे कि जीशु गिर गया था, तो हम लोग वही हंसी मजाक कर रहे थे। और बच्चे सही में कोई काम सीरियस नहीं करते हैं, लेकिन अब ज़्यादा ये लोग को डांट भी नहीं सकते ना। इन लोग जब से घर में रहते हैं तब से आधा काम तो मैं इन लोग से करा लेती हूँ कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो, ताकि बोर भी ना हो बच्चे और हंसते खेलते काम भी हो जाए। तो बस यहाँ पे हम लोग हंसी मजाक करके ये बेड तो साफ हो गया, 5 मिनट के लिए ही है, और उसके बाद फिर ये फैल जाएगा, क्योंकि कहीं जा नहीं रहे हैं बच्चे, यहीं पर हैं बेड पे ही। और उस वाले रूम में हस्बैंड लेटे हुए हैं। तो यहाँ पे अब झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ और अब मैं लगा रही हूँ पोछा, और पोछे में यूज़ कर रही हूँ फिनाइल। तो ये नया फिनाइल ये लेकर आए हैं और इसकी स्मेल ना बहुत अच्छी है और बहुत देर तक रहता है, एकदम फ्रेश रूम महकता रहता है। तो और ये वाले जो फिनाइल है ना, इससे पोछा लगाने पर मक्खी और मच्छर भी नहीं बैठते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे शाम के टाइम ना मैं इसी से पोछा लगा रही हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि हाँ अभी मच्छर अच्छर मक्खियों की नहीं है ना, तो अच्छा लगता है। तो बस ये वाले रूम में मैं पोछा लगा लूँगी, उसके बाद फिर जहाँ हस्बैंड बैठे हैं आगे वाले रूम में वहाँ पे पोछा लगा लेंगे, और सारे रूम को पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैं इस रूम में आ गई और हस्बैंड लेट के फ़ोन चला रहे हैं, और इनका फ़ोन ना हम लोग ऑर्डर किए थे फ्लिपकार्ट से कि आ जाएगा, लेकिन हम लोग को पता नहीं था कि यहाँ पे ऐसा हो जाएगा लॉकडाउन, और कहीं कुछ भी नहीं, कोई जा सकता है ना आ सकता है। तो इनका फ़ोन कहीं अटक गया है और अभी तक नहीं आया है, और पता नहीं कब तक आएगा। तो यहाँ पे मैं आ गई और जिया मेरा बाल धुला रही है, और बाल धुलाने के बाद फिर मैं और जिया दोनों लोग चले जाएंगे नहाने के लिए। और नहाने के आएंगे ना तो उसके बाद बनाना है पकौड़ी, ये लोग बोल रहे थे कुछ खाने के लिए। और जब से इन लोग घर में है ना, तो हर आधे आधे घंटे में ये बनाओ वो बनाओ। तो मैं नहा के आई तो फिर आलू और बैंगन की पकौड़ी बनाई थी और चाय बनाए थे। तो फिर हम लोग सब लोग बैठ के पकौड़ी और चाय का मज़ा ले रहे थे। तो हम लोग यही सब करके अपना टाइम पास कर रहे हैं और लॉकडाउन का पूरा फुल एंजॉय कर रहे हैं, और फुल डे का यही हम लोगों का रूटीन रहता है, खाओ सो ये करो वो करो, बस यही एक बच गया है और कोई काम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग पकौड़ी खा रहे हैं और उसके बाद हम लोग फिर लूडो खेलने के लिए बैठ जाएंगे। हम लोग सब लोग साथ में हैं तो इसलिए हम लोग फुल एंजॉय कर ले रहे हैं, नहीं तो कभी हस्बैंड नहीं होते हैं तो कभी जीशू नहीं होता है। तो किसका क्या है? पापा का ये लो। अरे तो पापा ऐसे मान तो आपकी तरह ये सही बैठा था अपनी जगह पे, जबरदस्ती हमको समझ दो। तो आप इधर आइए, तो यहाँ पे हम लोग बैठ गए हैं लूडो खेलने के लिए। और हम लोग के पास ना वो वाला जो पहले होता था लूडो, वो था है नहीं, क्योंकि खेलते ही नहीं थे।
तो कैसे होगा, तो यहाँ पे हम लोग फोन पे ही डाउनलोड कर लिए और हम लोग चारों लोग बैठ गए लूडो खेलने के लिए। और हस्बैंड तो नहीं खेलना चाहते थे, लेकिन हम लोग जबरदस्ती उनको भी बैठा लिए कि चलिए खेलने के लिए। तो हम लोग खूब मजा कर रहे थे, सब लोग बैठ के खेल रहे थे। तो मैच हो गया है खत्म और आज के विनर रहे हम ना, हम जीते ना। तो ये वाला मैच ड्रॉ हो गया क्योंकि जिया कर दी थी मोबाइल ऑफ, तो वो आधे में ही गेम रुक गया। लेकिन हाँ, इससे पहले वाला जो मैच हुआ था उसके विनर हम थे। तो हम लोग ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं और जीशु ऐसे भी टाइम पास कर रहा है, क्या करे जब कहीं जाना ही नहीं है, तो यही सब हम लोग कर रहे हैं। और हस्बैंड अभी गए हैं मार्केट आलू प्याज देखने के लिए क्योंकि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ है बैडमिंटन ले आओ। कहाँ पे बर्रा आ गया, बैडमिंटन ले आओ। तो कुछ आलू प्याज नहीं मिल रहा है, तो अगर मिलेगा तो वो ले लेंगे, तो इसलिए गए हैं। तो चलिए फिर आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज, सेफ रहिए, घर में रहिए और बोर मत होइए, कुछ ना कुछ गेम बच्चों के साथ खेलते रहिए, आपका भी मन लगेगा और बच्चे भी एंजॉय करेंगे। तो फिर मिलेंगे कल नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज। बर्रा आ गया आधे में ही बर्रा आ गया।